नमस्कार, मैं कुमारी नूतन हफ्शी जी प्राथमिक विद्यालय कटहरा प्रखंड बेलहर जिला बांका की एक शिक्षिका हूँ। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच पर सभी शिक्षकों बच्चों अभिभावकों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं पिछले वीडियो में वर्ग तृतीय का पर्यावरण लेशन 11 लेकर आई थी, दीपावली की तैयारी, उसका तीसरा पार्ट लेकर आई थी। आज चतुर्थ पार्ट है, पार्ट चतुर्थ है आज दीपावली की तैयारी का, पार्ट 4 है। ऐसे भी दीपावली की तैयारी में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगता है और बहुत आनंद भी आता है, इसलिए ये दीपावली की तैयारी का पाठ संपूर्ण करने में कुछ ज्यादा ही पार्ट लेना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं पिछले वीडियो में आपको बताई थी कि हम लोग जब सफाई करते हैं तो अपनी कचरा को कहाँ फेंकना चाहिए, क्या अपने घर से कचरा जो निकला उसको क्या हम ले जाकर रास्ते में फेंकते, रोड पे फेंकते, नहीं सड़क पर फेंकते, नहीं सड़क पे जो कूड़ेदान बने होते हैं, जगह जगह कूड़ेदान रखे होते हैं, उस कूड़ेदान में हमें डालना चाहिए, तभी हमारा घर और हमारा समाज, हमारा रास्ता, हमारा रोड और हमारा शहर, हमारा गांव साफ सुथरा रहेगा, तभी हम रोग मुक्त हो सकेंगे, रोग नहीं होगा, रोग होने की संभावना कम से कम हो जाएगी, ना कूड़ा सड़ेगा और ना ही कीड़ा होगा उसमें, और ना हमें कोई प्रॉब्लम होगी, ना गंध आएगी, ना ही रोग होगा। तो इसके बारे में बात किया था, अब आगे मैं फिर आपको बताती हूँ। बच्चों बुक निकाल लीजिए, मैं फिर से आपको बताती हूँ कि सुखदा और संजय क्या कर रहे हैं घर में, दीपावली की तैयारी में क्या क्या कर रहे हैं। घर लौटने पर दोनों ने देखा कि माँ तुलसी के चबूतरे के पास जमीन पर रंगोली बना रही है। जब बच्चे पापा के साथ बाजार गए हुए थे, बाजार से जब घर आए तो देखते हैं कि माँ जो है तुलसी चौरा के पास रंगोली बना रही है। तुलसी जी जहाँ हम लगाते हैं, जिस जगह लगाते हैं, थोड़ा ऊंचा बनाकर उसको तुलसी चौरा बनाते हैं, वहां पे हम तुलसी जी लगाते हैं, आंगन में या कहीं छत पे या कहीं साइड में बाड़ी में कहीं भी हम बनाते हैं वहां लगाते हैं, उसको हम तुलसी चौरा कहते हैं। इसके आसपास हम रंग बिरंगा चित्र बनाते हैं, रंगते हैं, साफ सुथरा करते हैं, रंगोली बनाते हैं दीपावली में, ताकि अच्छा लगे दिखने में। तो माँ रंगोली बना रही थी, रंगोली बहुत सुंदर दिख रही है। सुखदा को भी माँ के साथ रंगोली बनाने में बड़ा मजा आ रहा था। रंगोली देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, आपको भी अच्छा लगता होगा, बनाने में भी मजा आता है और देखने में भी सुंदर, क्योंकि इसमें रंग बिरंगे रंग होते हैं, इसलिए बहुत ही सुंदर लगते हैं। आपको मजा आ रहा होगा, सुखदा को भी बहुत मजा आ रहा था, माँ रंगोली बना रही थी, देखकर उसे बहुत मजा आ रहा था। तभी सुखदा ने देखा दादी जी रुई से बाती बना रही थी। तभी इसी क्रम में सुखदा ने देखा कि दादी रुई से बाती बना रही है। उन्होंने कहा शाम को इनसे दिए संजोएंगे। सुखदा बोली मैं भी बाती बनाऊंगी। तब दादी बोली कि रात में हम इसे दिए जलाएंगे, ये बाती जो है दिए जलाने के लिए बना रहे हैं, रात में हम लोग उससे दिए जलाएंगे। तब सुखदा कहती है मैं भी बाती बनाऊंगी दादी माँ। आप लोग भी बनाते होंगे, जब आपकी माँ और दादी चाची कोई भी बाती बनाते आप भी बैठ जाते हैं बनाने के लिए, बैठते हैं ना। दादी जी ने सुखदा से कहा हाँ बना लेना, लेकिन पहले जरा रसोई घर से 3-4 कटोरियों में चावल तो ले आओ। दादी बोली ठीक है बेटा बना लेना, लेकिन पहले तुम रसोई घर से 3-4 कटोरी चावल लेकर आओ। जब वह चावल लाई तो दादी जी ने उन्हें लाल पीले एवं हरे रंग से रंगने को कहा। जब वो चावल लेकर आई तो दादी कहती है सबको रंगना है भाई, लाल से रंग दो, एक कटोरी लाल से रंग दो, एक कटोरी हरा से रंग दो, एक कटोरी पीला से रंग दो, ठीक है सबको रंग दो।
रंगे चावलों को परासने पसारने में रंगे चावलों को पसारने में सुखदा और संजय को बहुत मजा आया। रंगे हुए चावल, रंग दिए चावल सुखदा ने और उसको जब पसारने लगी तो बड़ा मजा आ रहा था उस लोगों को। उनके हाथ भी रंगीन हो गए। जब चावल रंगा हुआ है और भीगा हुआ है, अगर आप उसको छुइएगा पसारिएगा तो आपका हाथ भी रंग जाएगा। दोनों ने माँ के साथ मिलकर रंगीन चावल को रंगोली में सजाया। फिर जो रंग चावल रंगा हुआ था जो सूख गया, तो सब दोनों बच्चों ने माँ के साथ मिलकर चावल को रंगोली में सजाया। रंगोली हम चावल से ही बनाते हैं, अबीर से बनाते हैं, फूल से बनाते हैं, रंग से बनाते हैं, आटा से बनाते हैं, मैदा से बनाते हैं, बहुत चीज से बनता है रंगोली। आपके घर बाती कौन बनाता है? अब ये बताइए, आपके घर भी बाती बनता होगा तो कौन बनाता होगा? दादी बनाती है, माँ बनाती है? नहीं, बाती बनाने में कौन कौन सहयोग करता है? दादी, माँ, और आपको भी मन करता है तो आप भी बनाते हैं, तो आप भी सहयोग करते होंगे उसमें। संजय ने कहा, चलो दीदी हम गुल्लू के घर चलते हैं। इतने में संजय कहता है कि चलो दीदी सुखदा से, चलो दीदी हम गुल्लू के घर चलते हैं। गुल्लू का घर साफ सुथरा लग रहा है। संजय बोल रहा है कि गुल्लू का घर साफ सुथरा लग रहा है, दीदी चलो हम गुल्लू के घर चलते हैं। उसकी माँ ने दीवारों पर आकर्षक चित्रकारी भी की है। उसकी माँ दीवारों पर सुंदर सुंदर चित्र बनाई है जो बहुत ही आकर्षक दिख रहे हैं। संजय की नजर गुल्लू के आंगन में खड़े गाय और बछड़े पर पड़ गई। तब संजय की नजर गुल्लू के घर में जो गाय और बछड़े आंगन में पड़े हैं उस पर नजर गई। संजय ने पूछा, अरे गाय और बछड़े की पीठ और पेट पर किसने लाल हरे रंग की चित्रकारी की? जब देखा कि गाय के पीठ और पेट पर चित्र किया गया है, चित्रकारी की गई है, तो संजय ने पूछा कि ये किसने किया है? ये दीपावली की तैयारी अभी और भी लंबी चलेगी। मैं फिर से एक वीडियो इस पर और लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।